corruption, infrastructure, health, gender, environment, development, conflict, caste, art and culture, education, corruption, development, health, infrastructure, caste, environment, art, development, corruption. ये माना जाता है कि भारत के चेरापूंजी में दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है, वैसे ही गुजरात के डांग जिले में गुजरात की सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो फिर ये तस्वीरें कहाँ की है? ये तस्वीरें किसी और जगह की नहीं, डांग की है। जहाँ इतनी बारिश होती है वहाँ पानी की तंगी क्यों? डांग जिले में मुख्य चार नदियाँ हैं, उनमें से एक है खापरी, और ये जो चेक डैम आप देख रहे हैं वो उसी नदी पे बना हुआ है। इस डैम को बनाने का मकसद था कि ये पानी रोके, लेकिन जैसा आप देख रहे हैं ये डैम पानी रोकने में बिल्कुल असफल रहा है। ये चेक डैम भी उसी नदी पे बना हुआ है, लेकिन इसकी हालत उससे भी बुरी है। ना तो ये पानी रोक सका, ना ही खुद टिक सका। जैसा कि आपने देखा, इस हैंडपंप में जितना भी दम लगा लो पानी नहीं निकलेगा, और इसी प्रकार के 10 से 12 हैंडपंप पूरे गांव में आपको मिल जाएंगे, जो कि बिना जांच के बना दिए गए हैं सिर्फ दिखाने के लिए। डांग जिले की एवरेज बारिश 2500 mm तक है, तो फिर डैम और हैंडपंप में पानी क्यों नहीं? क्योंकि ये कहीं भी बना दिए जाते हैं, ना कोई जाँच ना कोई सर्वे। लगता है कि नीति ये है कि लोगों को फ़ायदा हो या ना हो, बनाने वालों को फ़ायदा होना चाहिए। इंडिया अनहर्ड के लिए मैं रोशन डांग से।